स्किल्स इसको अगर उर्दू में मैं आपके लिए आसान कर दूं तो इसका मतलब है महारत या महारतें अब सर 20वीं सदी में दिमाग को यूज़ करते थे मेमोराइज़ करने के लिए जिस इंसान को ज़्यादा चीज़ें याद होती थी उसे अकलमंद टैलेंटेड कामयाब इंसान समझा जाता था लेकिन मेरा ये मानना है हम जिस दौर में अभी जी रहे हैं जिसको ज़्यादा याद है मैं नहीं समझता कि वो ज़्यादा कामयाब इंसान है जिसकी दिमाग में स्किल्स ज़्यादा है मैं समझता हूँ वो ज़्यादा कामयाब इंसान है मेरा ये मानना है कि अब हमारी ज़िंदगी में तीन चीज़ें हैं एक है टेक्नोलॉजी दूसरा है दौलत और तीसरा है स्किल्स अब अहम सवाल अभी पूछने लगा लगाऊँ हम बहसीियत कौम हम बड़े पेरेंट्स जो यहाँ आज इस ट्रेनिंग में बैठे हैं हम बहसीियत कौम हर वक्त इन तीनों चीजों में से कौन सी चीज हर वक्त हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं एज ए होल हम पाकिस्तानी सर इन तीनों चीजों में से कौन सी चीज के पीछे दौड़े जा रहे हैं आंखें बंद करके गिरते हैं फिर उठते हैं फिर उसी के पीछे दौड़ रहे हैं कौन सी चीज है जी दौलत एज ए नेशन हम सब लोग किसी भी तरह से चाहे सही तरीका हो चाहे गलत तरीका हो हम चाहते हैं कि हम दौलत हासिल कर लें एग्री और नॉट ऐसा ही है ना अब दूसरा बड़ा अहम सवाल है अगर आपको जिंदगी में एक मौका मिले एक चांस मिले एक मौका कि आप इन तीनों चीजों में से अपने बच्चों को कोई एक चीज दे सकते हैं तवज्जो चाहता हूं आपको और ये सबसे खास हिस्सा है हमारी वर्कशॉप का अगर आपको जिंदगी में एज ए मदर एज ए फादर एक मौका मिले और आपसे पूछा जाए कि आप इन तीनों चीजों में से अपने बच्चों को सिर्फ एक चीज दे सकते हैं बाकी दो नहीं दे सकते उसकी इजाजत नहीं मिलेगी सिर्फ एक सिलेक्ट करना है तो आप इन तीनों चीजों में से अपने बच्चों को क्या देना चाहेंगे हाँ जी स्किल्स देना चाहेंगे अब ये सर कैसे हो सकता है कि हमारा रुझान दौलत की तरफ हो और हम चाहते हो कि हमारा बच्चा स्किल्स हासिल करे कहते हैं ना कि वहां जाकर बैठकर चुप करके पढ़ो अब खुद सास बहू का ड्रामा लगा हुआ है उसकी एपिसोड निकली जा रही है और हम उसको कह रहे हैं कि तुम तवज्जो से पढ़ते क्यों नहीं हो ऐसा है कि नहीं है और फादर ज़ाहिर मसरूफ़ होता है कमाने के चक्कर में उसके पास वक्त ही नहीं बच रहा कि अपने बच्चों को वो टाइम दे हालांकि वैसे हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का हासिल हमारा सरमाया हमारे बच्चे हैं लेकिन हम असल में पैसों वाले सरमाए के पीछे पड़े रहते हैं बच्चों इग्नोर हो जाते हैं उनकी तालीम और तरबियत वक्त हम दे नहीं पाते ये सर हो नहीं सकता कि हमारा रुझान हो दौलत की तरफ और हम बच्चों को रिक्वेस्ट करें या उनको सख्ती से कहें कि तुम स्किल्स हासिल करो इसलिए इसलिएमिया आज का ये है कि बच्चे तालीम उस तरह से हासिल नहीं करना चाहते बच्चे स्किल्स उस तरह से हासिल नहीं करना चाहते वेस्ट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी में आ गया है क्योंकि वो हमें भी तो देख रहा है ना हम भी तो मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि घर में कौन से बच्चे ने रिनाला खुर्द में अपने माँ बाप को किताब पढ़ते हुए देखा होगा ज़िंदगी में अपने फादर को या अपनी मदर को सिलेबस से हटके कोई किताब पढ़ रही हो जाहिर है अगर वो आपको देखेगा ऐसा कुछ तो उसमें ये रुझान पैदा होगा अब आप अगर झूठ बोलते हैं तो उसमें भी झूठ का रुझान पैदा होगा आप इखलास के साथ लोगों से पेश आएंगे तो आपके बच्चे में भी वही चीज़ पैदा होती है सर मेरा मानना है मोहब्बत शफकत नेकी ये बच्चों में अपनी माँ की तबीयत से डेवलप होती है बहादुरी और सच बोलना ये बच्चों में अपने फादर से डेवलप होती है तो अगर ये दो चीज़ें आजकल के वदेन में तीन चीज़ें हैं तो गैर शौरी तौर पर बच्चों में वो डेवलप होंगी और अगर कुछ और हैं तो वो डेवलप होंगी अब आप अंदाज़ा अपना लगा लीजिए कि हमारी रूटीन क्या है और हम अपने बच्चों की रूटीन क्या बनाना चाहते हैं लेकिन ख्वाहिश हमारी यह है कि हम अपने बच्चों को स्किल्स दें मैं भी आपको ये बताऊँ अगर किसी बच्चे के पास हर ढेर सारी दौलत है लेकिन स्किल्स नहीं है कुछ अरसे तक वो उस पैसे को ज़ाया कर देगा अगर आप अपने बच्चों को जदीद मोबाइल फ़ोन एलईडी कंप्यूटर महंगी गाड़ी लेकर दे दें लेकिन अगर उसके पास स्किल्स भी नहीं है तो वो उनका ज़ाया करेगा उनका गलत इस्तेमाल करेगा सर राइट और रॉन्ग ये गलत इस्तेमाल को जरा समझिएगा वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा और मेरा ये मानना है कि अगर बच्चों को स्किल्स दे दें आप तो उन्हीं स्किल्स की बुनियाद पर वो ज़िंदगी में सर वेल्थ भी हासिल कर सकता है और उन्हीं स्किल्स की बुनियाद कर पर वो अपनी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी पर भी अबूर हासिल कर सकता है पॉजिटिव उसको प्रॉपर इस्तेमाल भी कर सकता है तो मेरा ये मानना है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं और आपके बच्चों के लिए जो आने वाला दौर है उसमें बिलीव इट आर्न आर्ट कि दौलत और टेक्नोलॉजी ये हमारे लिए मसला बन गई है हमारी बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से माँ सबसे ज़्यादा परेशान मोबाइल फ़ोन से है सर आजकल खुद तो यूज़ करना चाहती है लेकिन बच्चा छोड़ने को तैयार नहीं है और जिन घर में अगर मोबाइल फ़ोन नहीं है तो वो बच्चा फिर भी कुछ बेहतर है रिलैक्स है अदरवाइज बच्चे इतना ज्यादा मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं कि वो जिस्मानी तौर पर भी और एसाबी तौर पर भी तबाह हो चुके हैं बर्बाद हो चुके हैं और वजह क्या है टेक्नोलॉजी हमें बड़ा शौक़ होता है बच्चे को टैबलेट लेकर दूं बच्चे को अच्छा मोबाइल लेकर दूं एलईडी पर उसको चैनल लगा कर दे दूं कि वो देखे बाज़ाहिर हमें लगता था कि हम कोई उसके साथ नेकी कर रहे हैं लेकिन नेकी नहीं कर रहे हैं, उस बेचारे को परेशान कर रहे हैं आप क्योंकि उसकी कॉन्सनट्रेशन लेवल वीडियोज़ मोबाइल टैबलेट टी देख देख कर पढ़ाई की तरफ से उसकी कॉन्सन्ट्रेशन लेवल ख़त्म हो गई है अब उस तरह से बच्चा तवज्जो से फोकस करके पढ़ ही नहीं पा रहा है पढ़ाई के वक़्त भी मोबाइल चाहिए अब तो बच्चे खाना तब खाते हैं जब मोबाइल मां चलाएगी तो वो खाना खाते वरना मैं नहीं खाऊंगा ऐसा है या नहीं है ये अलमिया हो गया है तो बाकी किसी छोटे मोटे काम के लिए बच्चों को कैसे कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करेंगे हमें टेक्नोलॉजी से और दौलत के बुरे असरा से अपने बच्चों को सबसे पहले बचाना है ये जहन में रखिए अच्छी तरबियत के लिए सर ये दोनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है गरीब भी अपने बच्चे की अच्छी तरबियत कर सकता है आपकी और मेरी कोई हम बचपन में कोई बड़े अमीर तो नहीं थे हमारी तरबियत भी हुई उसमें ना मोबाइल का किरदार था ना दौलत का किरदार था लेकिन एक काम एक प्रोसेस से हो गया तो अब हम सिर्फ बात करेंगे मैं दो चीज़ें मिटाने लगाऊँ इस बोर्ड पर से जिनके बारे में मेरा मानना है कि बच्चों की तरबियत में सर उनका कोई पॉजिटिव किरदार नहीं है अगर बच्चों के पास बचपन में महंगी टेक्नोलॉजी नहीं है ना तो कोई इशू नहीं है वो फिर भी अच्छी तालीम हासिल कर सकता है खा खाम ख़ाह इस मखमसे में ना रहें कि जब तक मैं अपने बच्चे को मोबाइल या टेबलेट या लैपटॉप ला कर नहीं दूँगी तो उसकी तालीम अच्छी नहीं हो सकती है तो इस, इस चीज़ को जहन से निकाल दें आप नंबर वन पॉइंट नंबर टू जो मैंने वेल्थ और स्किल की बात की है अगर अर्ली स्टेज पर ही बेजा दौलत का ख़र्च आप अपने बच्चों पर करते हैं तो इससे भी उनकी तबीयत में मसाइल और इशूज़ क्रिएट होते हैं बिगाड़ आता है फ़ायदा कोई नहीं होता गरीब लोगों की भी तरबियत हुई मैं एक छोटी सी मिसाल दूँ सर एक छोटा सा बच्चा दरख्त के नीचे बैठा हुआ है और उस दरख्त से एक सेब टूटकर गिरता है नीचे अब वो जो भी बच्चा या बड़ा वो एक उस सेब टूटकर गिरने के अमल पर अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और उसे कोई असूल के तहत जो है ना उस पर रिसर्च करता है आगे बात करता है और काम करता है तो दुनिया में इनकलाब आ गया उसका नाम याद है वो जो सेब टूटकर गिरा था जो नीचे बैठा हुआ था आइनस्टाइन क्या वो अमीर था सर पैसे वाला था क्या उसके पास ये एंड्रॉयड फ़ोन लैपटॉप टेबलेट मोबाइल कुछ था सर उसके पास उसके पास ये दोनों चीज़ें नहीं थी उसके पास क्या था उसके पास स्किल्स थी उसने दुनिया में इतना कमाल किया आज तक उसका नाम है तो मेरा मानना यह है कि ये दौलत और टेक्नोलॉजी अगर आप ज़रूरी समझते हैं बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए तो मैं नहीं समझता कि ये ज़रूरी है बल्कि ये आपको परेशान कर रही हैं बच्चे को परेशान कर रही हैं हमें फ़ोकस स्किल पर करना है जिस दौर में हम जी रहे हैं ये स्किल का दौर है ये मार्कशीट का दौर नहीं है ये मेमोराइज़ करने का याद करने का दौर नहीं है हमें स्किल चाहिए बच्चों में और अब आप ज़रा एक बात चीज़ को समझिए मैं आपको अगले पंद्रह बीस मिनट तक बता सकता हूँ कि आप अपने बच्चों की स्किल्स कैसे डेवलप करें और कौन कौन से स्किल्स को डेवलप करना अर्ली एज में बड़ा ज़रूरी है वैसे तो अगर आप कहते तो मैं दौलत हासिल करना या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल भी सिखा सकता हूँ लेकिन मैंने सोचा है कि बच्चों की तालीम में ये चीज़ें इ हो गई हैं असल चीज़ है स्किल को सीखना और सिखाना इस सिलसिले में माएँ सबसे पहली एक बात समझें दुनिया का कोई भी बच्चा वो चाहे रिनाला खुर्द में हो लाहौर में हो इस्लामाबाद में हो अमेरिका में हो कनाडा में हो सर गरीब हो अमीर हो कोई फ़र्क नहीं है दुनिया का कोई भी बच्चा अपनी ज़िंदगी के पहले छ सालों में अपने दिमाग की अस्सी फीसद स्किल्स जो है ना वो डेवलप कर सकता है ये सबसे अहम बात पहले ये सीखिए और समझिए अक्सर मैंने माओ को देखा ये कहती हैं ये छोटा है अभी इसको कुछ ना कहो बड़ा होगा तो सीख जाएगा दुनिया इसके बिल्कुल बरक सोचती है वो कहते हैं कि जितना छोटा है उतना ज्यादा सीखेगा दुनिया के तमाम बेहतरीन स्कूल्स में बच्चों को 80% परसेंट उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल्स की डेवलपमेंट पहले छः सालों में करवा दी जाती है और ये कोई ऐसा नहीं है कि वहां करवाई जाती है सर अल्लाह ताला ने हर बच्चे में ये सलाहियत दे दी है कि वो अपनी ज़िंदगी के पहले छः सालों में अपनी 80 परसेंट मेंटल स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकता है डेवलप कर सकता है और उनको इस्तेमाल कर सकता है अच्छा अलमिया यह है कि अगर पहले छः सालों में आप उसकी मेंटल स्किल्स को डेवलप नहीं करते और वह बच्चा सात आठ साल का हो जाता है तो फिर दोबारा आपको उसकी वो मेंटल स्किल्स डेवलप करने का मौका नहीं मिलेगा ये बिल्कुल ऐसे है कि फ़र्ज़ नमाज का टाइम अगर एक बार गुज़र जाए तो आप उसके बाद नमाज अदा भी करेंगे तो लेकिन वो एहसास वो लुत्फ वो आपको फ़ील नहीं होगा जो फ़र्ज़ नमाज के अदा करने में होता है हालांकि काम आप वो बाद में भी कर सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले छः सालों में जो बच्चों की स्किल्स डेवलप हो सकती हैं उसकी जो पर्सनलिटी डेवलप हो सकती है वो छः साल की उम्र के बाद वैसी और उतनी अच्छी कभी नहीं डेवलप हो सकती इसलिए दुनिया के तमाम माहरीन तालीम सर जोड़ कर बैठे हुए हैं कि किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी बच्चों की स्किल डेवलप छः साल की उम्र से पहले की जाए इस छः साल की उम्र की तालीम को अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन कहते हैं पूरी दुनिया में ई सी ई जिसको हम आम तौर पर इबाई तालीम या आम तौर पर हम कहते हैं प्ले ग्रुप नर्सरी और के जी की क्लास दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च और ट्रेनिंग और टीचर्स की सबसे ज्यादा जो काम है वो इन इब्तदाई क्लासेस में होता है हमारे यहां थोड़ा सा रुझान माओं की वजह से भी और कुछ स्कूल्स की वजह से भी चेंज है हम समझते हैं कि होमवर्क अगर लेकर आया है तो इसका मतलब स्कूल ठीक है, है। जबकि पूरी दुनिया ये कहती है कि होमवर्क मेंटल स्किल्स नहीं है वो तो एक मुशक्कत है सर ये जो ढाई तीन चार साल का बच्चा है जिसको आप कहते हैं कि चार चार पेजेस 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 लिखो लिखो ये चार लिखना उसकी तो मैं कोई इजाफा नहीं करता सिवाय जिस्मानी मुशक्कत उसको देने के अगर आपको याद हो हम बचपन में जब ज्यादा लिखते थे तो हमारा हाथ दुखने लगता था हमारा शोल्डर दुखने लगता था कोहनी दुखने लिख लिख के थक जाते थे हम यह जिस्मानी मुशक्त होमवर्क का होना या ज्यादा होना असल मेंटल स्किल्स हैं जो आपको सीखनी और समझनी कि वो हैं क्या अच्छा आई एम नॉट अगेंस्ट होमवर्क एक खास मिकदार में होमवर्क होना चाहिए ताकि बच्चा जो कुछ सीख कर आया है उसकी थोड़ी सी री इंफोर्समेंट हो जाए लेकिन अगर आप तालीम को सिर्फ होमवर्क समझ के बैठ जाए जब तक स्कूल से चार घंटे का होमवर्क नहीं मिलेगा तो स्कूल अच्छा नहीं है यह तस्वर गलत है पूरी दुनिया में पहले छः साल की तालीम में बच्चों को कंफर्टेबल किया जाता है रिलैक्स किया जाता है मेंटली भी फिज़िकली भी और कुछ इस अंदाज और इस अदा से पढ़ाया जाता है कि सीखने का अमल बच्चे के लिए इंजॉय वाला भी हो और आसान भी हो और हमने कुछ ऐसी चीज़ें ठोंस दी हैं कि बच्चा बेचारा प्ले नर्सरी क्लास से ही डिप्रेशन का शिकार और परेशानी का शिकार हो जाता है हमें उसको बदलना होगा और उसके लिए स्कूल अपना किरदार अदा करे माँ अपना किरदार अदा करे लाइफ स्किल्स की बात करें अब जो जिंदगी है अब जो मुस्तकबिल है वो जिंदगी की महारतें हैं अब ज़रा जहन में रखिएगा जो सबसे पहली स्किल पहले छः सालों में पूरी दुनिया में बच्चों की डेवलप की जाती है वो स्किल में इंग्लिश में यहाँ पर लिख रहा हूँ लिसनिंग अगर मैं उर्दू में उसको लिखूंगा तो हम कहेंगे सुनना अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो मेरे बच्चे को आता है लेकिन अब मैं आपको बताऊं अगर इतना ही आपकी सुन रहा होता तो बड़े बच्चे भी आज आपकी सुन रहे होते और आपकी मान रहे होते सबसे बड़ा आलमीय हमारा यही है कि हमें लगता है हमारे बच्चे को सुनना आता है असल में सुनना क्या है वो जरा समझिए लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग कि आप किसी की बात सुन रहे हों और सुनते ही आपको उसकी बात समझ आ रही हो दिमाग में जैसे अभी यहाँ मुझे बहुत सारे चेहरे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं उनके दिल पर मेरी बात अगर असर कर रही है और उनके चेहरे के अंदाज से मुझे पता चल रहा है कि इसको बात समझ आ रही है इसको सही लग रही है कि बात सही कर रहा है ये ऐसे ही होना चाहिए तो लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग कि बच्चा सुन रहा हो और सुनने के साथ साथ आपकी बात को समझ रहा हो अगर आप किसी चीज़ से रोक रहे हैं तो वो समझ रहा हो कि ये क्यों ममा रोक रही हैं और अगर कोई चीज़ करने की ताकीद कर रही हैं तो वो समझ कर वो काम करना शुरू कर दे तब मैं मानूंगा कि आपके बच्चे को सुनना आता है इस वक्त अलमिया यह है कि आप अपने बच्चे को किसी अच्छे काम के करने की बात कहेंगे भी वो नहीं सुन रहा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही है और आप किसी बुरे काम से रोकें तो मुझे रोक के तो दिखाएं आप आजकल के वालदेन का सबसे बड़ा आलमिया ये है सर कि जी मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं सुनता सर सर मेरी बेटी पहले ठीक थी अभी पता नहीं क्या हो गया है मुझसे बात ही नहीं करती है सर बच्चे चिढ़ते हैं माँ बाप अगर उनसे आकर बात करने लगे तो आप बताइए कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ क्यों क्योंकि हमने उनकी लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं की अब ये कैसे डेवलप होगी जरा गौर से टीचर्स भी सुने माए भी सुने पहले छः सालों में बच्चे की जिंदगी के पहले छह सालों में जो कुछ भी वो सुना सुन रहा हो आपने बड़ा केयरफुली उसे सुनाना है ये जो आजकल मोबाइल में टीवी में वीडियोज में जो गंद बला सुन रहा है ना ये उस इसकी वजह से उसका दिमाग खराब हो रहा है और वो किसी की बात सुनने को तैयार अब नहीं है मेरा मानना यह कि पहले छह सालों में दो काम करें माए घर पर दो काम करें एक सबसे पहली बात अगर आपका बच्चा छोटा है आपके पास आया है आपसे बात करने आपको कोई बात बताने समझाने आपके सामने रो रहा है उसको कोई परेशानी है तो मेहरबानी करके जो भी आप एक्टिविटी और काम कर रही हैं ना उसको थोड़ी देर के लिए रोक के पूरी कंसंट्रेशन और तवज्जो के साथ अपने बच्चे को कहें जी बेटा आप क्या कहना चाह रहे हैं और अपने बच्चे को उसकी बात पूरी तवज्जो से कहने दें और आप पूरी तवज्जो से उसकी सुनें क्योंकि मेरा मानना है कि जब माएँ तवज्जो से सुनने लगती हैं तो बच्चों को अपनी बात करने का सलीका आने लगता है बताना लगता है समझाना लगता है आजकल कल लल में कि बच्चा आता है कोई बात करने हम इतने मसरूफ़ होते हैं अपनी जिंदगी में कि हम मतलब उसे परे भगा देते हैं कि जाओ मैं अभी यह काम करता रहता है उसे पता है कि ना मैंने सुनानी है यह मसला मां से शुरू होता है सर मेरे घर पर अगर मेरे बच्चे कोई बात करना चाहते हैं है, जब घर जाता हूँ वो मेरे पास आना चाहते हैं बिलीव इट आर नाट इंतहाई मुमकिन कोशिश करता हूँ कि मैं मोबाइल स्क्रीन ना देखूँ टी वी पर न्यूज़ ना देखूँ जब उनके साथ हूँ तो उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ और कुछ इस अंदाज में बात करूँ कि वह अपनी बात मुझे पूरी सुनाएँ समझाएँ फिर ऐसे सवाल करूँ कि ताकि मेरे बच्चे की बोलने की सलाहियत में इजाफा हो इससे तबीयत में रिस्पेक्ट पैदा होती है अपनी अहमियत का एहसास होता है किसी को अपनी बात समझाने की अहमियत का एहसास होता है अगर हम इग्नोर करने लग गए तो हमारे बच्चे फिर दो चार साल के बाद हमारे पास आकर बैठ कर ना बात कुछ सुनाएंगे और हम उन्हें कहेंगे आओ बेटा मेरी बात तो सुन वो नहीं आता भाग जाता है इस वक्त ये वजह क्योंकि हम मसरूफियत की वजह से बच्चों के साथ प्रॉपर बात नहीं करते खुदा के लिए टाइम निकालें थोड़ी तवज्जो निकालें और छह साल की उम्र में आई एम नॉट सेंगे सर सारी जिंदगी मैं आपको खसूसी तौर पर कह रहा हूं कि पहले छह साल में जो मां बाप अपने बच्चों के साथ केयरिंग होंगे नाइस होंगे, होंगे प्रॉपर तरीके से बैठकर उसकी बात सुनेंगे अपनी बात उसके सामने प्रॉपर तरीके से कहेंगे अजीब गरीब अल्फाज नहीं कहेंगे बुरे अल्फाज नहीं कहेंगे अपनी बात बच्चे को पूरी कहने का मौका देंगे आप अपनी बात पूरी समझाने का मौका देंगे तो बच्चों में लिस्निंग की कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होगी अदरवाइज इसके अलावा जो चीजें आजकल देख रहे हैं ना ये इनकी लिसनिंग कॉन्सेंट्रेशन को बिगाड़ रही खराब कर रही है डेवलप नहीं कर रही है और अगर मां की बात ही सुनकर नहीं समझ रहा तो जिंदगी का क्या फायदा मुझे तो ये समझ आता है यही माए बाद में परेशान होती है हमसे हम दूर भागता है चिड़ लगती है बच्चों को वजह क्योंकि हमने एक खास मौके पर उनको टाइम नहीं दिया तो पहले छह सालों में सबसे पहले लिसनिंग करवाएं और एक छोटा सा काम करें अगर माएं जो पढ़ी लिखी हैं जो ये काम कर सकती हैं अगर पॉसिबल हो अगर मुमकिन हो तो बड़े बच्चों की कोई किताब उठाएं कहानियों की या मार्केट में अवेलेबल सिलेबस से हटके कोई कहानियों की किताबें हैं या बच्चों की दुनिया तालीम तरबियत नौनहाल जहीन फूल सर ये मैगज़ीन जो मंथली आते हैं अगर आपने बच्चों के देखे हमने तो बचपन में पढ़े थे ये मंथली मैगज़ीन लें बच्चों के लिए और अपने साथ बिठाकर अपने दो साल ढाई साल तीन साल चार साल के बच्चों को उन किताबों से कुछ कहानियां पढ़कर सुनाएं क्या कहा मैंने कहानियां पढ़कर सुनाए बच्चे को नहीं कहना तुम पढ़ो मां पढ़ेगी फादर पढ़ेगा कम से कम डेली बच्चों की जिंदगी में एक कहानी मां पढ़े शाम में और एक फादर पढ़े ताकि बच्चों की लिसनिंग की कंसंट्रेशन डेवलप हो और इससे जो बड़ा काम हासिल होता है वो बच्चे को किताब से सर मोहब्बत पैदा होती है हमारा इस वक्त अलमिया सिलेबस की किताब ही मजबूरन बच्चा पढ़ता है सिलेबस से हटके किताब पढ़ना ये तो हमारे माशरे में राइज ही नहीं है ना रिवाज ही नहीं है कि सिलेबस से हटके भी कोई किताब पढ़ी जाती है मतलब ये अनोखी सी बात है पाकिस्तान में जबकि आप पूरी दुनिया में चले जाएं सर वहाँ बच्चे अपनी डेली रूटीन का बीस से पच्चीस फीसद वक्त सिलेबस की किताबों के साथ गुजारते हैं और 60-70 परसेंट वो अपनी डेली रूटीन का टाइम सिलेबस से जो हटके किताबें होती हैं उसके साथ गुजारते हैं वजह उनकी माओं ने उनके पेरेंट्स ने घर में बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानी की किताबों की लाइब्रेरी बनाई शेल्फ में लाकर रखी बच्चों को वो किताबें गिफ्ट की बच्चों को मंथली लाकर दी वो सब्सक्रिप्शन ले ली ऐसे मैगजीन की जो बच्चों के मैगज़ीन होते हैं ताकि महाना आए और वो बच्चा पढ़े और आप ख़ुद जब तक बैठकर कर पढ़ कर सुनाएंगे नहीं उसकी कंसंट्रेशन लिसनिंग की डेवलप नहीं होगी और मेरा यह मानना है कि बहादुर लोगों की सच्चे लोगों की ईमानदार लोगों की कहानियां जो हम बचपन में सुनते हैं ना वो गैर शौरी तौर पर हमेशा के लिए हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं बड़े होकर आप ज़बरदस्ती किसी को ईमानदार नहीं बना सकते सर बचपन में कोई वाक्य कोई कहानी कोई किस्सा उसे ईमानदार बना सकता है जो उसके जहन पर असर कर गया था आप बड़े होकर ज़बरदस्ती किसी को सच बोलने पर रागिब नहीं कर सकते हैं लेकिन बचपन से उसने किससे कहानियां वाक़त ऐसे ज़िंदगी में ऑब्ज़र्व किए जिससे वो कभी भी झूठ नहीं बोलता वो हमेशा सच ही बोलता है और आपकी तबीयत पर भी कहानियों ने बचपन में जो असर डाला था आज वही आप सामने यहां बैठे हुए हैं कुछ ना कुछ ऐसी बचपन में कहानियां थी जो हमारी गैर शौरी तौर पर हमारी शख्सियत का हिस्सा बन गई हैं तो ये कहानी पढ़कर सुनाना सबसे बड़ी तरबियत है अपने बच्चे की लिसनिंग करेगा तो लिसनिंग की मदद से बच्चों में दूसरी सालाइयत डेवलप होगी और वो है स्पीकिंग की बोलना अब जरा ये भी जहन में रखिए आप तो कहते होंगे कि मेरे बच्चे को तो बोलना आता है अब असल बात क्या है सर अपने ख्याल का इजहार करना बोलकर ये दोबारा बता रहा हूं मैं बच्चा कह रहा है मैं आपको मैंने ये याद कर लिया है मुझसे सुन लें मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि मैंने ये याद कर लिया है मुझसे सुन लें आप बच्चे से कहें कि बेटा आपने जिस टॉपिक पर याद किया है ना उस टॉपिक के बारे में अपने ख्याल का इजहार करके दिखाएं मुझे आप क्या सोचते हैं आपको कैसा लगता है अगर आप वहाँ होते तो क्या करते अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या सोचते हैं अच्छा आपको इसमें से कौन सा अच्छा लगा क्यों अच्छा लगा कौन सा अच्छा नहीं लगा क्यों अच्छा नहीं लगा ये सारी जो बातें हैं जिसमें वो बच्चा अपने सोच अपने ख्यालात अपनी राय का इजहार कर सके ना ये प्रैक्टिस करवानी है बच्चे से और अलमिया हमारा ये कि हम उसे कहते हैं सिलेबस में जो जवाब तुम्हें हमने बताया है ना तुमने उतना ही याद करना है उससे आगे एक लफ्ज ना याद करना है ना उससे पीछे तो सिलेबस का जवाब याद करना उसके एग्ज़ाम को पास करने की ज़रूरत है लेकिन बड़े होकर कामयाब इंसान बनना उसके लिए उसको ख़ुद अपनी राय का इजहार करना दलील देना आना चाहिए और ये माँ बाप घर पर माहौल बनाकर ये पैदा कर सकते हैं मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ मेरी ज़िंदगी में वो लोग जो लोगों के साथ गुफ्तु अच्छी करते हैं उनके साथ बैठ कर बात करना अच्छा लगता है उनके ख्याल का इजहार सुनकर अच्छा लगता है इसके पीछे उनके माँ बाप का वो माहौल था जिसमें उन्होंने उनको प्रॉपर तरबियत की कि बेटा आप बताइए आपको क्या लगता है ताकि उसकी बच्चे की राय की अहमियत का एहसास हो चाहे मैं अक्सर टीचर्स को ट्रेनिंग कराता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ बच्चा अगर गलत भी कोई बात कर रहा हो बात पूरी दुरुस्त ना भी हो तो उसे यह ना कह करें कि तुमने गलत कहा है बेटा आपने बहुत अच्छी बात की इसको मज़ीद बेहतर यूँ किया जा सकता है ताकि बच्चा अपने ख़्यालत को और बेहतर अंदाज़ में लोगों के सामने पेश कर सके और ये याद रखिए जो बच्चा सुनता है वही बोलता है अगर गाने सुनेगा मोबाइल फ़ोन सुनेगा टैबलेट पर ये चीज़ें देखेगा तो यही वो बोलेगा लेकिन अगर किस्से और कहानियां वाकयाए दम्बिया कराम की किताबें आप पढ़कर सुनाएंगे तो वही वो, वो बोलेगा मेरा मानना यह कि बच्चे अचानक कोई बुरा लफ्ज़ बोलते हैं ना ये इन पर नाजिल नहीं होता सर कहीं से ये इन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी से सुना होता है तो वो बोल रहे होते हैं तो हम क्यों ना अच्छी बातें सुनाएं अच्छे वाक्यात सुनाएं अच्छी कहानियां सुनाएं अच्छे करेक्टर्स के बारे में उसके साथ बात करें ताकि वही बोलने के लिए वो कोशिश करे। तो सुनना बोलना नाजिल नहीं होता जो सुनवाएंगे वही बोलेगा जितना ज़्यादा सुनवाएंगे उतना ज़्यादा बोलेगा तो अपने बच्चों के साथ बात करें आज शाम जब घर पर जाएँ टीवी का रिमोट कंट्रोल हाथ में लेकर चैनल बदलने से पहले दस मिनट के लिए ख़ुद को रोक लें और उससे क्या अच्छा मैं अभी टीवी नहीं चला मेरे बेटे ज़रा इधर आओ मेरी बेटी ज़रा इधर आओ उसके साथ बैठे और उसके साथ दस मिनट जरा बात करने की कोशिश करें यह प्रैक्टिस छः साल की उम्र से आज आप करेंगे तो कल पॉसिबल है कि ये बच्चा आपके साथ बात करेगा अपने किसी इशू को लेकर सीधा आपके पाँव में आकर बैठेगा और कहेगा कि अभी यह मेरा मसला है मेरा सर मेरी एक रूटीन है कि मैं जितनी भी डेली रूटीन अपनी चाहे रिलैक्स हो चाहे स्ट्रेस में हो जब तक मैं अपनी अम्मी के पास बैठ कर 10-15 दस पंद्रह मिनट बात नहीं करता ना तो वो मैं रिलैक्स नहीं हो पाता उस तरह से क्योंकि एक मिजाज बन गया है आप समझ रहे मेरी बात को ये मिजाज रूटीन से बनाना पड़ता है रूटीन के बग़ैर कहकर मिजाज नहीं बनता हमें इन चीज़ों की आदत डालनी होती है तो लिसनिंग और स्पीकिंग बच्चों की तबीयत में डेवलप करें वैसे जैसे मैंने बताइए इसके लिए कहानी सुना सकते हैं खुद बैठकर बात कर सकते हैं जो टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग में तीन दिन की पहले दे चुका हूं कि आपने बच्चों के साथ उनकी लिसनिंग और स्पीकिंग की कंसंट्रेशन को कैसे डेवलप कर रहा है क्योंकि इंसान की शख्सियत सर उसकी सुनकर समझने और बोल कर ख्याल का इजहार करने की सलायत से पता चलती है अभी आपको तो नहीं पता चल रहा मेरे मैट्रिक में मार्क्स कितने होंगे ग्रेजुएशन में मेरी ग्रेड्स कितने होंगे लेकिन आज आप अगर मेरे सामने बैठ कर मेरी बात सुन रहे हैं उसकी वजह यह है कि मैं बोल कर अपने ख्याल का इजहार कर रहा हूँ और आप सुनकर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इंसान की शख्सियत और मुस्तबिल का दार मदार उसकी सुनकर समझने और बोल कर अपने ख्याल का इजहार करने की सलायत है हम बड़े तो हो गए हैं लेकिन अलमिया यह है कि भाई भाई के साथ बात नहीं कर पाता क्योंकि बात करते हैं तो उकताहट होती है भाई भाई की बात सुनना नहीं चाहता चाहे वो नेकी की बात क्यों ना बता रहा हो उकताहट इसलिए होती है क्योंकि रूटीन नहीं रही भाइयों की आपस में बात करने की रूटीन नहीं रही है मां की अपनी बेटी के साथ ढेर सारी गुफ्तगू करने की मज़ा तो तब आए ना कि आपकी बेटी के अम, अम्म, अम्मा छोड़े ना कुछ देर आए ना मेरे साथ बात तो करें जरा मतलब वो बेचैन हो रही हो आपके साथ बात करने के लिए इसके लिए रूटीन बनानी पड़ेगी और ये पहले छह साल इसकी आइडियल एज है ये रूटीन बनाने की मैं कहता हूँ जो माँ बाप पहले छह साल में अपने बच्चों को टाइम देंगे इन मेरा दावा है वो बच्चे पूरी ज़िंदगी अपने माँ बाप को टाइम देंगे लेकिन पहले छह साल में जो बच्चा ज्यादा वक्त मोबाइल की स्क्रीन देखेगा तो आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कि अगले साठ साल वो क्या करेगा दिस इज अप टू यू नाउ मेरे पास कोई मंत्र जादू नहीं है कि मैं आपको वो बताऊं और फू आप और बच्चा ठीक हो जाए हमें कुछ प्रैक्टिसेस को दुरुस्त करना होगा हमें कुछ रूटीन को कुछ मामलात को दुरुस्त करना होगा तभी ये पॉसिबल होगा तीसरी चीज जो बच्चे की जिंदगी में डेवलप करनी है हमने दैट इज कॉल्ड रीडिंग हम उर्दू में उसको लिखेंगे पढ़ना अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा बैठा पढ़ तो रहा है सर और क्या करे अब हम हमारे यहाँ पढ़ने का भी जो है ना वो यही मसला है बच्चा इंग्लिश की किताब पढ़कर सुना देगा लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा होता उसको इस्लामियात हम क्लास वन से सर पढ़ना शुरू करते हैं और मैट्रिक तक हम हर रोज़ इस्लामियत का एक लेसन कम से कम या एक क्लास अटेंड ज़रूर करते हैं लेकिन मैट्रिक में जो बच्चा स्कूल की गेट से बाहर निकल रहा होता है आप उसकी शख्सियत में कितनी इस्लामिया देखते हैं आपको अंदाज़ा है हम पढ़ते हैं सिर्फ़ इम्तिहान पास करने की ग़र्से मेमोराइज़ करने की ग़र्स से सिर्फ ड्यूटी समझ कर पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए नहीं है इसके लिए जो मैंने पहली टिप दी थी स्टोरी टेलिंग किताब से ताल्लुक़ इसके लिए मैं एक टिप आपको दूंगा कि माँ बाप यहाँ बैठे हैं ना अब ये समझें कि ये जो मैं पढ़ना कह रहा हूं उसके लिए एक माहौल बनाने की जरूरत है आज घर जाएं और अपने घर में जाकर एक छोटा सा काम करें अपने घर में एक छोटी सी पढ़ाई की जगह बनाएं। वॉट डिड आई से पढ़ाई की जगह इंग्लिश में कहेंगे स्टडी एरिया अगर कोई कमरा पूरा वक्फ कर सकते हैं पढ़ाई के लिए तो बड़ी अच्छी बात है अगर नहीं तो किसी कमरे का कोई कोना साफ करें चादर या गद्दा बिछाएं घर की कुछ पुरानी किताबें इकट्ठी करें छोटा सा कोई शेल्फ अगर है तो वहां रखें और किसी बड़े बच्चे से कहें कि बेटा मुझे कागज़ पे लिख दो पढ़ाई की जगह या इंग्लिश में लिखो स्टडी एरिया वो कागज दीवार पे वहां लगा दें और घर के तमाम अफराद को बताएं कि बेटा अगर आपने पढ़ना हो तो यहां आकर बैठ कर पढ़ना है आपके घर में टीवी देखने की जगह है और बड़ी जबरदस्त जगह है सर टी देखने की आपके घर में खाना खाने की जगह है और बड़ी जबरदस्त जगह है खाना खाने की ताकि आप आसानी से खा सकें आपके घर में सोने की जगह है आपने बेडरूम बड़ा जबरदस्त बनाया हुआ है आराम करने के लिए मुझे कोई हाथ खड़ा करके बताए हमारे घर में पढ़ाई की जगह है एनी वो एक उन एक बच्चे ने बताया कि उसके हम पढ़ाई की जगह है अदरवाइज बाकी जो 200 लोग बैठे हुए इनके घर में सर बाकी सब कुछ है लेकिन पढ़ाई की जगह नहीं है और बच्चे के पीछे भागते रहते हैं पकड़ पकड़ के उसको बिठाने की कोशिश करते हैं पढ़ते क्यों नहीं हो आओ बैठो पढ़ते क्यों नहीं हो अब समझ आए पढ़ना क्या है हमें पढ़ाई की जगह बनानी होगी ताकि जब पढ़ने की ज़रूरत पेश आए तो वहाँ जाकर बैठ पढ़े उस जगह पर बैठ पढ़ने से कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होती है देखिए हम अल्लाह की इबादत तो दुनिया की हर जगह कर सकते हैं हम यहीं पर बैठकर अल्लाह की इबादत कर सकते हैं मैं नमाज अदा कर सकता हूं लेकिन मस्जिद क्यों बनाई गई इबादत के लिए ताकि इंसान बाकी मामला से थोड़ा दूर जाकर पूरी तवज्जो और कॉन्सेंट्रेशन से जाकर अल्लाह की इबादत करे सर एग्री और नॉट तो जब अल्लाह की इबादत में जो कि कहीं भी वैसे अल्लाह की पूरी दुनिया हम कर सकते हैं लेकिन उसके लिए भी स्पेशल जगह बनाई गई ताकि तुम पूरी तवज्जो से मेरी इबादत करो तो ये जो जिंदगी में डेली रूटीन में पढ़ाई की जगह है वो है नहीं घर में तो बच्चे की पढ़ाई की कंसंट्रेशन कैसे डेवलप हो टीवी के सामने बैठ कर पड़ेगा तो टीवी देखने का दिल करता है हमारे साथ ऐसा होता है ना हम टीवी के सामने बैठते हैं तो जब तक टीवी ऑन नहीं होती हमें बेचे नहीं होती है ऐसा है कि नहीं है खाने के टेबल पर बैठते हैं तो क्या दिल करता है सर कुछ पेश किया जाए ऐसा है कि नहीं है जो मर्द रात बैठे उन्हें अंदाज़ा होगा बेगम समझ आती है कि वो जो वहां जाके बैठा है ना इसे कुछ चाहिए वो हम वहां पर वो खाने के लिए कुछ पेश कर देते ऐसा है कि नहीं है अच्छा बेडरूम में जाते हैं तो ज़ाहिर है नेचुरली जरा आराम करने का दिल करता है रिलैक्स करने का दिल करता है तो अगर पढ़ाई की जगह बनी हुई हो और पढ़ाई की जगह पर जाएंगे तो क्या दिल करेगा क्योंकि ये जगह ही पढ़ाई की तो यहाँ पढ़ने का कॉन्सनट्रेशन बढ़ेगा तो बेडरूम में ना पढ़ाएं टीवी लाउंज में ना पढ़ाएं चले घर का कोई कोना किसी जगह भी स्पेयर करें टीवी के सामने ना बनाइएगा थोड़ा साइड में ताकि बच्चा तवज्जो से वहां पर पढ़ाई कर सके इसको पढ़ाई कहते हैं वो पकड़ पकड़ के बिठाना होमवर्क करवाने के लिए वो पढ़ाई नहीं है पढ़ाई वो है कि बच्चा खुद कहे है जाकर अपनी जगह पर बैठे मम्मा मुझे पढ़ाई करनी है मैं स्टडी एरिया में जा रहा हूँ ये जुमला जिस दिन आपने अपने घर में सुन लिया ना आपने कमाल कर दिया मामा मैं स्टडी एरिया में बैठा हूँ जरा यहां आए मेरे पास मतलब ये जहन में रखें हमें पढ़ाई की जगह बनाने होगी और ये कोई ख़र्चे का काम तो नहीं है घर का कोई कोना बस आपने पढ़ाई के लिए बनाने चंद किताबें इकट्ठी कर करके वहाँ रख दें पढ़ाई की जगह लिख दें ताकि पता हो पढ़ाई की जगह अक्सर देखा है नमाज़ की जगह लिखा होता है वो नमाज़ की जगह क्यों लिखा होता है ताकि तवज्जो से यहाँ फोकस करके आप जाके नमाज़ पढ़ सके खाने की जगह सोने की जगह इसी तरह पढ़ाई की जगह उसको मैं पढ़ाई कहूँगा अदरवाइज बाकी जो पढ़ाई है ज़बरदस्ती पकड़ के बिठाने वाली वो पढ़ाई नहीं है पढ़ाई की जगह पर बच्चा खुद जाकर बैठ कर पढ़ेगा तो कॉन्सनट्रेशन डेवलप होगी ये पढ़ाई है और चौथा और आखिरी स्किल जो छः साल की उम्र से पहले डेवलप करनी है वो है राइटिंग लिखना ये चौथी लाइफ स्किल है इंसान का दारो मदार उसकी कामयाबी और नाकामी का दारो मदार इन चार चीज़ों पर है वो सुनकर समझता कैसा है वो बोलकर अपने ख़्यालत का इजहार कैसे करता है क्या पढ़ने का शौक है उसको कि नहीं पकड़ के तो नहीं बिठा रहे ज़बरदस्ती पढ़ाने के लिए और चौथा और आखिरी काम मैंने कहा है लिखना अब जरा यहां जहन में रखिएगा सर पूरी दुनिया में एक टर्म यूज़ होती है उसको कहते हैं क्रिएटिव राइटिंग वट डिड आई से क्रिएटिव राइटिंग जबकि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो टर्म यूज़ होती है वो है कॉपी राइटिंग क्या कहा मैंने कॉपी राइटिंग कॉपी राइटिंग से पता चल रहा है कि कुछ कॉपी करके राइट आपने करना है जबकि पूरी दुनिया में क्या चीज़ यूज़ होती है क्रिएटिव राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग का मतलब ये है कि खुद से तखलीक करके आपने कुछ लिखना है अब मेरे पास दो बच्चे हैं यहां पर आपके सामने पेश करने के लिए एक बच्चा आकर कहता है कि सर मैं आपको नाकायदेज के चौदह नुकात सारे लिख कर दिखा दूंगा मुझे कागज और पेन दे उसने नुकता नंबर वन टू थ्री फोर फोर्टीन पॉइंट सर बिल्कुल एज इट इज जैसे किताब में लिखे हुए ना लिख के दिखा दिए आपको यह है कॉपी राइटिंग अच्छा दूसरा बच्चा कहता है कि सर अगर आप कहते हैं तो चौदह नुकात के बारे में मैं कुछ आपको लिख कर देता हूं कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं मेरी राय क्या है किसी एक नुक्ते के बारे में या सारे नुक्तों के बारे में मैं आपको ख़ुद से कुछ लिख कर दिखा सकता हूँ आप उसे कलम और कागज़ हैं वो अपनी राय का इजहार करेगा कि ये चौदह नुकात मैंने पढ़े तो मुझे इसमें से ये चीज़ समझ आई मेरा ख्याल है ये नुकता यूँ ठीक है इस नुक़े के बारे में मेरी राय ये है ये जो मैं भी आपके सामने बयान कर रहा हूँ इसको क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं और पूरी दुनिया में बच्चों को सर प्राइमरी क्लासेज़ के अंदर वन टू थ्री फोर फाइव पांच तक जो क्लासेज हैं पहली से लेकर पांचवी तक क्रिएटिव राइटिंग्स करवाई जाती हैं वहां पर कॉपी राइटिंग नहीं होती कापी राइटिंग सिर्फ पाकिस्तान में होती है अच्छा मैं देखूं तो सही कैसा लिखा है हाँ किताब में भी हाँ ब, बड़ा खूबसूरत लिखा है ये ये कॉपी राइटिंग है सर ये कॉपी राइटिंग है और वहाँ दुनिया के वो लोग कहते हैं लिखा हुआ कैसा खूबसूरत है इस पर इतना फोकस ना करें खुद से सोच कर लिख रहा है इस पर फोकस करें ताकि उसमें क्रिएटिविटी की स्किल डेवलप हो अगर आप कॉपी राइटिंग ही करवाते रहेंगे तो बच्चे में क्रिएटिविटी कभी डेवलप नहीं होगी और मेरा मानना यह है कि पंद्रह साल बाद जब आपके बच्चे बड़े होकर प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे ना तो तब तक दुनिया में सिर्फ वो लोग सरवाइव कर सकेंगे जो क्रिएटिव होंगे सर जिनकी तखलीकी सलाहियतें डेवलप होंगी स्कूल की मदद से जो सिर्फ रीप्रोड्यूस कर सकेगा कट कॉपी पेस्ट कर सकेगा वो 10, 12, 15 साल के बाद दुनिया में उसे कोई काम नहीं मिलेगा उसे कोई इदारा रखने को तैयार नहीं होगा क्योंकि अभी से ही क्रिएटिविटी इनोवेशन थिंकिंग डेवलपमेंट ये सब चीज़ें हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन गई हैं मैं अगर यहाँ आकर और स्लाइड खोल के बस वो लाइन बा लाइन पढ़ता रहता तो शायद मैं वो कायम ना कर पाता आप पर ये क्रिएटिविटी है जो आगे चलकर आपको सरवाइव करवाएगी इस दुनिया में और मेरा मानना यह है कि आने वाले दौर में पेन और कागज़ ही क्रिएटिविटी बन जाएगा जो क्रिएटिव काम कर सकेगा तो कॉपी वर्क करवाएं आई एम नॉट अगेंस्ट कॉपी वर्क लेकिन आप लोग शायद ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा रट्टा लगाकर याद करके वैसा ही लिखेगा का, यही कामयाबी है सिर्फ यही कामयाबी नहीं है कभी उसे कलम और कागज़ दे और उसे कहें कि बेटा आज के अपने पूरे दिन के बारे में कुछ लिख के दिखाओ और अगर वो ये कहे कि मामा मैंने तो कुछ याद ही नहीं किया तो फिर आप समझ जाइए कि ये इक्कीसवीं सदी के मुताबिक तैयार नहीं हो रहा ये बीसवीं सदी में पड़ा हुआ है लेकिन अगर वो कहे हाँ मामा हाँ, मैं अभी लिख के दिखा देता हूँ और आपको पाँच छः लाइनें लिख कर दिखा दे चाहे उनकी तरतीब ठीक ना हो लेकिन डेली रूटीन के कोई काम लिख दे तो आप उसे कहें वेल डन एक्सीलेंट बेटा आपने ज़बरदस्त काम किया है यहाँ से रुझान बनता है सर कोई भी चीज़ कोई टेबलेट मेडिसिन खाने से नहीं आ जाती हमें रुझान बनाना पड़ता है बचपन से पहली क्लास से प्रेप क्लास से हमें रुझान बनाना पड़ेगा कि वो क्रिएटिव राइटिंग की तरफ आए और स्कूल के अंदर तीन चार दिन की ट्रेनिंग टीचर्स की हो चुकी है आप लोगों की ट्रेनिंग से पहले कि बच्चों में क्रिएटिविटी को डेवलप कैसे किया जाए लैंग्वेज के अंदर उनकी तख्लीकी सलायतियों में इजाफा कैसे किया जाए सिर्फ वो मार्कशीट और नंबर हासिल ना करें बल्कि वो क्रिएटिव भी हो कुछ नया करने की सलाहियत भी हो कुछ नया करने का रुझान भी हो खुद से कुछ करके बोल के लिख के दिखाने की सलाय भी उसमें पैदा हो तब जाकर ये चारों स्किल्स आपके बच्चे की ज़िंदगी की महारतें बनेंगी जिनको मैं लाइफ स्किल कह रहा हूँ देखिए कुकिंग करना एक लाइफ स्किल है ड्राइविंग करना एक लाइफ स्किल है एक बार ज़िंदगी में कुकिंग सीखते हैं सारी ज़िंदगी कर लेते हैं ड्राइविंग एक बार सीखते हैं सारी ज़िंदगी कर लेते हैं बिल्कुल वैसे ही ये चार सलाहियतें जैसे मैंने बताई हैं ना ये अगर बचपन में एक बार वैसे डेवलप हो जाए ना तो सारी ज़िंदगी इनको फिर निकाला और ख़त्म नहीं किया जा सकता ये वैसे आपको आएंगे जैसे आप कुकिंग करते हैं ड्राइविंग करते हैं लेकिन इनके लिए बेहतरीन टाइम जो है वो बच्चों की इब्तदाई ज़िंदगी के पहले छः साल है जिनको हम कॉपी भरवाने रटा लगवाने याद करवाने ज़्यादा होमवर्क की नज़र कर देते हैं और बच्चा क्लास वन में जाकर पहुँचता है तो उसकी क्रिएटिविटी आम तौर पर डेवलप नहीं होती ख़त्म हो जाती है अब तीन चार काम में और माओं को बताऊंगा जो आपके करने के हैं खासकर घर पे जाकर करने के हैं उसमें से एक मैंने काम आपको बताया है कि घर पर आपने जाकर क्या बनाना है जी स्टडी एरिया पढ़ाई की जगह आपने बनानी है नंबर टू काम जो माएँ यहाँ बैठी हैं माएँ और फादर दोनों अपनी एक रूटीन बना लें रोज़ाना डेली अपनी रूटीन में आधा घंटा ऐसा ज़रूर निकालें अपनी जिंदगी से कि जिसमें टीवी मोबाइल किताब और कॉपी भी बच्चे के हाथ में ना हो वो सिर्फ़ आपके साथ बैठा हुआ हो और आप उसके साथ एज़ ए फ्रेंड एज ए दोस्त बनकर उसके साथ पंद्रह बीस मिनट तीस मिनट बात करें ताकि उसकी आदत डेवलप हो आपके साथ बात करने की गपशप करने की अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बताने की जो चीज़ें उसे पसंद नहीं है वो भी आपको बताने की कभी बच्चों से पूछेंगे बेटा आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं मैं तो अपने बच्चों से ये तक भी पूछता हूँ बेटा आपको आपके पापा की कौन सी बात अच्छी लगती है और आपको आपके पापा की कौन सी बात बुरी लगती है उससे ज़रा मुझे ऑब्जर्वेशन होती है कि बच्चे किन चीज़ों को परेशान होते हैं सोच कर किन चीज़ों के बारे में वो खुश होते हैं मसलन मेरी बेटी वो कहती पापा जब आप काम पर जाते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता मतलब मैं उस जायरों से दूर चला जाता हूँ तो वो उसे अच्छा नहीं लगता है अच्छा आप घर आ जाते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अब ये रूटीन से डेवलप होता है कुछ कहला कर कुछ बताकर नहीं होता मुझे आदत डाल हूँ कि अपने बच्चों को खुद के साथ वक्त गुजारने की तो वो आदत उनमें डेवलप होगी तो डेली पंद्रह से बीस मिनट आप उसे कहेंगे बेटा मैं अभी पंद्रह मिनट बीस मिनट आपकी मामा नहीं बल्कि आपकी दोस्त हो आप मुझे बताएं आज आपको स्कूल में क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा टीचर में कौन सी बात आपको अच्छी लगी आप स्कूल में क्या सीखते हैं आप उसके बारे में क्या सोचते हैं ट्राई टू चैट समथिंग कुछ बात करें बस उसके साथ ताकि उसे आदत डेवलप हो आपके साथ बात करने की इस तरह आपको अपने बच्चों के बारे में मालूम मिलेगी वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता अदरवाइज़ फिर पंद्रह साल के वकफे के बाद आप कहेंगे है मुझे तो पता भी नहीं चला था कि ये ऐसा सोचता है मुझे तो कभी बताया ही नहीं इसने वो बताया इसलिए नहीं क्योंकि आपने कभी रूटीन ही नहीं बताए बनाई उसके साथ कि वो आपके साथ बैठकर बात करे और बड़े होकर बच्चों के ख्याल इतने अजीब व गरीब नए निकल आते हैं कि आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं अब मुझे क्या पता था मेरा ये बेटा या बेटी ऐसे सोच रही होगी तो वी हैव टू डिवेलप द टाइम पढ़ाई की जगह पहली बनाएं दूसरा डेली रूटीन में आप अपना एक तीस मिनट कम अज़ कम ऐसे उसे दें कि जिसमें आप उसके दोस्त बन जाएं लेकिन उस दौरान प्लीज़ मोबाइल टेबलेट या खाना या बच्चे की किताब कॉपी ना खुली हो बस सिर्फ आपकी उसके साथ बातचीत हो रही हो और तीसरी मैं एक मशवरा दूंगा आप सबको ये आजकल के दौर में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है उससे थोड़ा बचाने के लिए और वो चीज़ है मोबाइल फ़ोन आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जी ढाई तीन डेढ़ दो पाँच साल के बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन का इतना देखना या इतनी एक्सेस में उनके होना जब दिल करता है मांगा मोबाइल फ़ोन उठा के बैठ जाते आपको पता भी नहीं चलता ये उनकी जहनी और एसाबी कितनी बड़ी प्रॉब्लम बनने जा रही है आपके लिए आप अभी मैं बताने लगूंगा तो डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे वालदेन कि सर हमें तो पता नहीं था इसकी वजह से इतने मसाइल क्रिएट होंगे इससे बचाने के लिए मैं आप सबको एक टिप देता हूँ क्योंकि मेरे अपने बच्चे भी हैं और मैंने ये प्रैक्टिस करके देखा है घर पर तो ये पॉसिबल हुआ है देखिए अक्सर मैंने देखा है कि माएँ जब खाना बना लेती हैं और बच्चे को कहती हैं आओ बेटो बेटा आप खाना खाओ तो मोस्टली आजकल के दौर में मैंने देखा बच्चा कहा मैंने नहीं खाना जिस वक्त आप खाना बनाकर उसे देना चाहती हैं वो उस वक्त खाना नहीं चाहता है फिर आप पकड़ पकड़ कर बड़े बच्चों को भी देखा है अच्छा मैं तुम्हें मोबाइल देती हूँ बैठो तो सही मैं तुम्हें खिलाती हूँ एग्री और नॉट ऐसा हो रहा है ना फिर वो हम सामने मजबूरन बिठा कर उसको खाना खिला रहे होते हैं ये रूटीन बन गई है नंबर टू बेटा आप पढ़ते क्यों नहीं हो बैठो पढ़ाई करो वो पढ़ना भी नहीं चाह रहा अगर टीवी स्क्रीन आपने लगा दी है तो वो तीन घंटे चार घंटे छः घंटे भी बच्चों का असर इतनी स्टेमिना डेवलप हो गई कि वो देखे जा रहा है हम दे उसको देखकर थक गए लेकिन वो उससे नहीं थका एम आर राइट और रॉन्ग और आप जब उसे कहें नहीं बस बस करो बहुत तुमने देख लिए सर वो जितनी ज़्यादा स्क्रीन देखेगा ना उतना ज़्यादा स्क्रीन के साथ चिपकता है वो और उतना ज़्यादा वो एंगजाइटी गुस्से का शिकार होता है माँ से लड़ता है रोता है ऐसा है कि नहीं है आप परेशान हो जाते हैं कि अब मैं हाँ करूँ कि ना करूँ इसको क्या करूँ तो इससे बचने के लिए मैं अपनी जिंदगी की प्रैक्टिस और आपको एक बेहतरीन मशवरा दे रहा हूँ आप इस पर अमल करें आप अपने छोटे से बड़े बच्चे जितने भी घर में हैं हर बच्चे का उसकी डेली रूटीन का एक टाइम टेबल बनाएं टाइम टेबल कागज लें किसी बड़े बच्चे से उसको कहें बेटा बैठो मैंने आपके छोटे भाई का ना टाइम टेबल बनाना है ठीक है उस टाइम टेबल पर अगर लिखवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन कम से कम अपने जहन में बनाएं हर आवर जो है मसलन सात से आठ आठ से नौ नौ से दस दस से ग्यारह ग्यारह से बारह जो घंटा घंटा चेंज होता है हमारी लाइफ में हर घंटे के अंदर ना कोई ना कोई उस बच्चे के लिए मसरूफियत एक्टिविटी या कोई काम लिख दें और अपने बच्चे की बचपन से आदत डालें उस टाइम टेबल को फॉलो करने की मेरे घर पर आप आए तो मेरे बच्चों ने सर अपने अपने टाइम टेबल ऊपर नाम लिखकर ना न दीवार पर चिपकाए हुए हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद भागकर मेरे पास आते हैं कि पापा मेरा अभी जो है ना ये खेलने का टाइम शुरू होने वाला है मेरा टीवी देखने का टाइम ख़त्म होने वाला है या आमतौर पर जब वो टीवी देख रहे होते हैं तो मैं उनका टाइम टेबल चेक करता हूँ कि चार से पाँच बजे अगर टीवी देख रहे हैं तो पाँच बजे अगर उनका कोई और टाइम शुरू होने वाला है तो मैं जाकर बेटा पाँच बजने वाले हैं आपके टी देखने का टाइम खत्म होने वाला है क्योंकि आपका वो दूसरे काम का टाइम शुरू होने वाला है तो आप हर घंटे में कोई ना कोई एक्टिविटी लिखें अच्छा उसमें ही टी देखने का भी टाइम लिखें उसी में फ़िज़िकल खेलने का भी टाइम लिखें उसी में पढ़ने का भी टाइम लिखें उसी में खेलने का भी टाइम लिखें उसी में आराम करने का भी टाइम लिखें उसी में स्टोरी टेलिंग का भी टाइम लिखें उसी में आपके साथ बैठकर दोस्त बनकर बात करने का भी टाइम लिखें बट देयर शुड बी एवरी कोई घंटा खाली नहीं होना चाहिए कोई ना कोई सोच के एक्टिविटी उसमें लिखें दीवारों पर वो कागज़ लगाएं और अपने बच्चों की आदत डालें कि बेटा आपने इस रूटीन के मुताबिक चलना है आप आहिस्ता आहिस्ता रूटीन पर लाएंगे तो वो उस रूटीन के मुताबिक चलेगा सर बच्चे बड़ा इन्जॉय करते हैं मैंने अपने घर में देखा है कि माँ को बार बार जाकर बताते हैं कि मामा अब आपने हमारे साथ बैठना है ये काम करना है तो आप ज़रा फारग हो हमारा टाइम आने वाला है बार बार उनकी उनको ना एक्साइटमेंट होती है कि मैं जाकर टाइम टेबल देखूँ अब क्या होने वाला है उसके बाद क्या करने वाला हूं मैं तो आप उस टाइम टेबल के मुताबिक बच्चे की रूटीन डेवलप करें और लिखे हुए को बताएं कि अब आपने इस पर अमल करना है अब आपने इस पर अमल करना है इसमें टी मोबाइल इन सब का भी कोई गुंजाइश रखने ताकि उस टाइम में वो देखें बकिया टाइम में कोई ना कोई एक्टिविटी हो लेकिन अगर आप अपने बच्चे को कहते हैं चुप करके बैठो मैं तो मैं मोबाइल नहीं देखू नहीं दूंगी वहाँ बैठो चुप करो ये वाला जुमला इस्तेमाल ना करें ये पॉसिबल नहीं है बच्चों में एनर्जी है उनमें पावर है वो चुप करके नहीं बैठ सकते आपके कहने पर दे नीड टू डू समथिंग और उनको फिजिकली इंगेज रखें खेल में कुछ चीज़ें सेट करने में कुछ बनाकर रखने में कुछ तय करने में छोटे मोटे टास्क कुट उनको के ताकि वो अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करें दे लव टू डू दीज थिंग्स हमें अंदाज़ा नहीं है सर मोन्टेसरी का एक है टर्म वो कहती है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट करें छः साल की उम्र से पहले वो इंडिपेंडेंट तब हो गए छोटे छोटे से टास्क आप अपने बच्चों से करवाएं मैं जब खाना खा रहा होता हूं या बैठकर पढ़ रहा